स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्लिक्स ब्रांड की, जो बच्चों से लेकर बड़े तक को खूब पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हॉर्लिक्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? जानने के लिए बने रहें आज के वीडियो में एंड तक। आज के वीडियो में हम हॉर्लिक्स कंपनी की पूरी स्टोरी को विस्तार में जानेंगे। हॉर्लिक्स का आविष्कार करने वाले ब्रिटेन के दो भाई थे, जिनका नाम जेम्स हॉर्लिक्स और विलियम हॉर्लिक्स था। ये दोनों ऐसे परिवार से आते थे जिनके पिता घोड़े की काठी बनाने का काम करते थे। इनके पिता ने इन्हें पढ़ने के लिए ब्रिटेन के हैम्पशायर सिटी भेजे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जेम्स हॉर्लिक्स और विलियम हॉर्लिक्स बच्चों के ड्राई फ्रूट बनाने में लग जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान रखे कि जो भी फूड बनाया जाए उसमें अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट मौजूद हो। लेकिन इन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिली। लेकिन विलियम हॉर्लिक्स हार नहीं माने। वह अपनी कोशिश नए तरीके से करने के लिए 1869 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन सिटी आ जाते हैं। और जेम्स हॉर्लिक्स उन दिनों लंदन में बेबी फूड बनाने वाली कंपनी मिलेन फूड में जॉब कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद विलियम हॉर्लिक्स ने बड़े भाई जेम्स हॉर्लिक्स को विस्कॉन्सिन सिटी बुला लिए और दोनों भाई साथ मिलकर बच्चों के लिए न्यूट्रिशन फूड बनाने में लग गए। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ड्रिंक तैयार किए जिसका नाम उन्होंने हॉर्लिक्स रखे। 1875 में दोनों भाई शिकागो अमेरिका में एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने JNW हॉर्लिक्स रखे। 1833 में हॉर्लिक्स को अमेरिकन पेटेंट मिल जाता है जिसके बाद हॉर्लिक्स एक ब्रांड बन गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन और अमेरिका के फौजों ने लड़ाई के मोर्चे पर हॉर्लिक्स को पिया करते थे। 1969 में दोनों भाई ने हॉर्लिक्स को ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन को बेच दिए। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक ने हॉर्लिक्स को इंडिया लाए थे, जहाँ पंजाब, बंगाल और मद्रास के बड़े घराने के लोग पिया करते थे। और बदलते समय के साथ बाकी लोगों ने हॉर्लिक्स को अपनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 31,700 करोड़ में हॉर्लिक्स को खरीद लिया, जिसके बाद आज तक हॉर्लिक्स का राइट हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।